रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद सादिया मेमन में हाजिर हैं। आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाले आलू के पकोड़े। तो चलें इनके अज्जा मैं आपको नोट करवा दूँ। यहाँ मैंने डेढ़ कप मैंने बेसन का आटा लिया है। यहाँ मैं आपको कप दिखा दूँ कि मैंने किस कप से मेजरमेंट किया है। इस कप से मैंने मेजर किया है, ये डेढ़ प्याली मैंने, जैसे एक फुल भर के और एक आधा। अच्छा, इसी का मैंने आधा यहाँ पे चावल का आटा लिया है, आधी प्याली चावल का आटा लिया है मैंने। एक टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, एक टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी, बिल्कुल समझ लें कि हाफ टी स्पून से भी कम अजवाइन ली है, हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, पानी है जिससे हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे, और आलूओं का मैं आपको बता दूँ कि आलू हमें किस तरह कट करके रखने हैं। यहाँ मैंने तीन बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने फ्राइज़ की तरह, जैसे आप ये देखें ये जो चिप्स होते हैं ना हमारे आलू के, उसके चिप्स की तरह मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसे, और एक कपड़े पे मैंने इसको धो के काफ़ी देर से मैंने फैलाया हुआ है। आलूओं का मैं आपको बता दूं कि इसको आप 2 से 3 पानी से लाजमन आप आलूओं को धोएं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी स्टार्च निकलता रहता है, काफ़ी हद तक आलूओं में स्टार्च ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से। और मैंने इसको धो के सुखा दिया है, ये देखें, क्योंकि ये अगर ड्राई होंगे तो हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें हम बेसन का पेस्ट तैयार करते हैं। बाउल में हम बेसन डालेंगे, इसका पेस्ट हमें ऐसा बनाना है कि ना गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला। इसी में चावल का आटा भी डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, अच्छा, और ये जो अजवाइन है इसे हम थोड़ा हाथ से मसल मसल के डालेंगे, थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। हरा धनिया भी मिक्स करेंगे और इसका अब हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे पेस्ट बनाते हुए, ताकि ये पतला ना हो जाए। तकरीबन 1 गिलास पानी की मुझे ज़रूरत पड़ी इसका पेस्ट बनाने के लिए। बस अब ये काफ़ी हद तक बीट हो चुका है अच्छे से। ये देखिए हमें इतना गाढ़ा इसको रखना है। चलें अब हम अपने पकोड़े फ्राई करते हैं। तेल मैंने गरम कर लिया था पहले से ही। इसमें कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती इस पकौड़ों में, चावल के आटे की वजह से ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ये पकौड़े आप देखें, ये फ्राई करने पे इस तरह से फूल जाते हैं। चल ये फ्राई हो गए, अब हम इसे निकालते हैं। सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसे बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।